मुद्दे पे डिस्को को वीडियो भाव वायरल, राजनीतिक संरक्षण में आरोपियों पे नहीं हो रही कार्रवाई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पिस्टल से फायरिंग करत भाई एक युवक को वीडियो वायरल भाव है। एक बार फिर से छतरपुर जिला के गढ़ी मलेरा थाना अंतर्गत उजरा गांव में एक स्टेज कार्यक्रम के दौरान तमंचे पे डिस्को को वीडियो वायरल भाव है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। वीडियो छतरपुर जिला के गढ़ी मलेरा थाना क्षेत्र के उजरा गांव को बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहे युवक के खिलाफ पूर्व में भी कई मामला दर्ज हैं और वे आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। एक कार्यक्रम के दौरान डांसर स्टेज पे डांस कर रही है और एक दौरान एक युवक पिस्टल लेके आते और हवा में फायरिंग कर देते। तभी डांसर डर के मारे किनारे खड़ी हो जाते और कछु लोग युवक का स्टेज से पकड़ के ले जाते। इसके बाद युवक को छत पे फायरिंग करत में वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस पूरे मामला में छतरपुर जिला के पुलिस अधीक्षक सचिन कुमार शर्मा को कहबो है कि वीडियो में युवक फायरिंग करत में नजर आ रहा है। टीम को गांव में भेजो गए है। पूरे मामला की पुलिस जांच कर रही है। जल्द से जल्द पुलिस पूरे मामला में कार्रवाई करे। आरोपी है महाराजपुर विधायक को करीबी, ऐसे नहीं हो रही कार्रवाई। इस पूरे मामला में आरोपी रवि शिवहरे महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित को करीबी बताओ जा रहा है। जिखा लेके गढ़ी मलेरा थाना पुलिस पूरे मामला में कार्रवाई से बच रही है। और पूरे मामला में जब हमने थाना प्रभारी से बात करने की कोशिश करी तो उनने फोन उठाबो तक मुनासिब नहीं समझो। इस पूरे मामला में राजनीतिक संरक्षण में आरोपी पर कार्रवाई न करने के आरोप थाना प्रभारी गढ़ी मलेरा संदीप दीक्षित को लग रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? झल्लू राजा। क्या नाम है आपका? झल्लू राजा। कहाँ के रहने वाले? उजरा। घटना ये हुई थी उनसे कि अनिल सेवरे रवि सेवरे का कट्टा चलाते हुए वीडियो वायरल हुए थे। उसका दोषी हमारे भाई राणा राजा को मानते हैं वो। तो उससे उन लोगों का विवाद हुआ तो हमें पता चला। तो हमने उनके पास गए तो हमने कहा भैया उनने नहीं किया। राणा राजा भी साथ में गए कि वो उनने बताया कि हमने वीडियो वायरल नहीं किया है, लेकिन वो नहीं मान रहे। कैसा वीडियो था? एक कट्टा चलाने का। हवाई फायरिंग करते नहीं? हाँ हवाई फायरिंग करते हुए। हाँ, वीडियो है उसका? हाँ वीडियो है। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि नहीं माने तो फिर हमने उन्होंने गाली गलौज की तो हमने टीआई साहब ने FIR नहीं लिखी। वहाँ वो टीआई साहब हाथी नहीं थे उस दिन 23 तारीख को। तो फिर 24 तारीख को एडिशनल साहब को हमने आवेदन दिया। क्या कह रहे हैं? धमकी कैसे दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं, हम तुम्हें मार देंगे, कहीं ये कर देंगे, कहीं फर्जी केस लगवा देंगे। आज वीडियो वायरल हुआ था? ये वीडियो 22 तारीख को वायरल हुआ था। आज कहाँ पर आए हैं आप? आज SP साहब के यहाँ आए। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। फायरिंग वाला कार्यक्रम के दौरान, तो सर इस पर क्या किया जाएगा? जी, जो वीडियो वायरल हो रहा है वो कहाँ का है, कैसे है, सही है, प्रमाणित है, नहीं है, उसके बारे में भी कहना उचित नहीं होगा। वीडियो के आधार पर जो संबंधित प्रभारी है वो वहाँ गए हैं और जो गाँव वाले उनके बयान लिए जा रहे हैं। जो खास खबर बुंदेलखंड चुपल के संवाददाता प्रिंस भरभुजा की है। तो ऐसी खास खबरें जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड चुपल के शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की, जय बुंदेलखंड।